हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में सेकेंड ईयर का मैनेजमेंट का वर्क सिंप्लीफिकेशन किया था। आज हम करेंगे थकान या फटीग। थकान या फटीग क्या होता है? जब आप कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं तो आपको जो है थकान महसूस होती है, जिसकी वजह से आपकी जो वर्किंग एबिलिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो आपकी उससे इफ़ेक्ट होती है, वो कम हो जाती है। आपकी ऊर्जा जो है वो एक तरह से ज़रूरत से ज़्यादा जो है खर्च होती है। तो हम आज देखेंगे कि ये थकान या फटीग क्या होता है। बेसिकली थकान और फटीग जो है, थकान अंग्रेज़ी में इसे हम फटीग बोलते हैं थकान को। तो थकान जो होती है वो बेसिकली क्या है, दो प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक थकान। शारीरिक थकान जो है उसको हम पहले देखेंगे कि शारीरिक थकान क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक जब काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ देर बाद जो है थकान की, या आपको जो है हाथ पैर या जो मसल्स हैं वो बहुत हार्ड जो है महसूस होने लगती हैं, या आपको लगता है कि अब और मूवमेंट जो है वो नहीं होगा, या मूवमेंट जो है उसमें दिक्कत आने लगती है, या मस्कुलर जो मूवमेंट आपका पहले जैसा था काम की स्टार्टिंग में वो उस तरीके का नहीं हो रहा, और बॉडी एक या बॉडी पेन या मस्कुलर जो है स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो हमें महसूस होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक थकान। शारीरिक थकान बेसिकली हम लोग देखेंगे कि क्यों हमें होती है, या हमारी मसल्स में ये एक तरह से जो हार्डनिंग हमें फील होती है ये क्यों फील होती है, थकान फिजिकल जो थकान होती है उससे, या शारीरिक थकान की वजह से। देखिए, एक प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है कि सामान्यतया क्या होता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स हैं या अन्य भोज्य पदार्थ हैं, तो उसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज बना, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में या मस्कुलर जो है हमारे टिश्यूज हैं उनके अंदर जाता है, और वहाँ पर जो है रक्त के द्वारा जो पहुँचाई गई ऑक्सीजन होती है। रक्त का काम क्या है, ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एज सच ऊर्जा नहीं है जिसको कि हम इस्तेमाल करें अपने दैनिक कार्यों में, ठीक है। ग्लूकोज को भी आगे तोड़ना होता है, इसका चयापचय होना होता है जिससे कि ऊर्जा बन सके और हम उस ऊर्जा को विभिन्न कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल कर सके, है ना। हम बार बार बात करते हैं कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपकी मसल्स में, ये जो है रक्त द्वारा पहुंचाई गई ऑक्सीजन को लेती है, और ये ग्लूकोज जो है इसका चयापचय होता है। ग्लूकोज के चयापचय के फलस्वरूप पाइरूविक एसिड और लैक्टिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा एक चक्र होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का या ग्लूकोज की चयापचय का, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप केवल इतना समझिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का चयापचय होता है, जिसके फलस्वरूप पहले पाइरूविक एसिड बनता है और उसके बाद में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड सामान्यतया जो ऑक्सीजन होती है वो आगे और लैक्टिक एसिड से फिर से रिएक्ट करती है, और उसके फलस्वरूप ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देती है, जो कि ऊर्जा हम काम में ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो है हमारे सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट है, ठीक है। ये सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बता रही हूँ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का चयापचय हुआ, उसके फलस्वरूप पहले पाइरूविक एसिड बना, उसके बाद लैक्टिक एसिड बना। लैक्टिक एसिड पुनः जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है किसमें, ऊर्जा में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल वाष्प में, ठीक है। ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है वो जल वाष्प की फॉर्म में सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन जब आप मेहनत का कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, है ना, या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो भी आप
जिसमें कि आपकी मसल्स इन्वॉल्व हैं, आप ऊर्जा की खपत हो रही है जिसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लगातार काम करने की वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से कम पड़ने लग जाता है, और जो लैक्टिक एसिड है वो पूरी तरह से ऊर्जा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा चाहिए जब आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो शरीर में, शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उस मेहनत को करने के लिए, तो उतना जो है लैक्टिक एसिड ऊर्जा में या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल्स के बीच में एकत्रित हो जाता है। इसी की वजह से हमें जो है थकान जो है वो फिजिकल थकान या शारीरिक थकान जो है वो हमें महसूस होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं कि जो जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो, शारीरिक श्रम कर रहे होते हो, उस समय पर जो आपका लैक्टिक एसिड है वो पूरी तरह से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको जो है ये लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है और हमें शारीरिक थकान महसूस होती है। तो ये प्रक्रिया आप याद रखिएगा कि शारीरिक थकान हमें किस वजह से महसूस होती है। ठीक है, तो ये तो है हमारा शारीरिक जो थकान है उसके क्या कारण है ना, उसका बेसिकली क्यों ऐसा होता है या क्या रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या दूसरी प्रकार का थकान हम जिसे कहते हैं, वो है आपकी मनोवैज्ञानिक थकान या साइकोलॉजिकल फटीग। साइकोलॉजिकल फटीग जो है बेसिकली साइकोलॉजिकल क्या है कि शारीरिक रूप से हमें किसी प्रकार का कोई थकान नहीं है, लेकिन किसी कार्य में अरुचि की वजह से, मन नहीं होने की वजह से, बोरियत होने की वजह से, या इच्छा नहीं होने की वजह से, या बार बार एक जैसा काम करके जो है हमें जो है वो साइकोलॉजिकल फटीग जो है वो हो जाता है। अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल फटीग बेसिकली दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है नीरस थकान या बोर्डम फटीग, जिसमें नीरस थकान क्या है कि आपको अगर किसी कोई ऐसा कार्य दे दिया जाए जो कि आपकी रुचि का नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आपको पूरा मोटिवेशन नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है नीरस थकान हो जाती है। नीरस थकान बेसिकली होने के समय हमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं हम उसको देखते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे, और इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नीरस थकान क्या होती है ना। जो जैसे उदाहरण के तौर पे जो डेली रूटीन के हमारे कार्य होते हैं, फॉर एग्जांपल डेली आपको सब्जी काटना है, डेली रूटीन में आपको चाय बनाना है, फिर खाना बनाना है, तो ये मोनोटोनस जो काम हो जाता है तो धीरे धीरे हमें उसमें बोरियत होने लगती है, या हमें जो है एक तरह से नीरस थकान जो है वो महसूस होने लगती है। इसका क्या है, इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो हैं, सबसे पहला है विश्रामहीनता का बोध, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत थकान हो रही है और हमें आराम करना है, या मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग्स जो आती हैं बहुत, मतलब जो है शरीर ऐसा लगता है आपको कि केपेबल नहीं है वो काम करने के लिए, जबकि आपने अभी कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, शारीरिक थकान नहीं है, मगर ये बोरियत की वजह से जनित थकान होती है। फिर है कार्य से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा, कि जब बोरियत होने लगती है तो ऐसा लगता है कि इस काम से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, या इसको किस तरीके से, कौन सा ऐसा बहाना लगाया जाए, या कौन सा ऐसा रीज़न दिया जाए जिससे कि हम ये काम को नहीं करें। असंतोष की भावना, अगर हम जैसे तैसे काम कर भी लेते हैं तो भी हमारे अंदर एक असंतोष की भावना जो है वो रहती है, क्योंकि जब तक आपका किसी कार्य को करने के लिए मन नहीं है तो आप उस कार्य को में बोर होंगे, उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उबाऊपन है, प्रेरणा का निम्न स्तर, काम के प्रति अरुचि और घृणा है ना, काम नहीं करना, इच्छा नहीं है, काम के प्रति घृणा होना,
आलस्य आना, उबासी आना, नींद आना, ठीक है, और बहुत धीमे स्पीड से अगर काम करना भी पड़ रहा है तो वो जो स्पीड है वो बहुत धीरे होती है, या हम उसमें अननेसेसरली अपना समय जो है या ऊर्जा जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, हमारी वेस्ट होती है एक तरह से। तो ये है आपकी नीरस थकान। दूसरा है आपका कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य या फ्रस्ट्रेशन फटीग क्या होता है, जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है कि काम को समय पे ना करना या मोटिवेशन जो है नहीं होना, ठीक है, बेसिकली फ्रस्ट्रेट होना किसी कार्य को लेकर कि ये मेरे को क्यों दिया गया है ये काम करने के लिए, मैं ही क्यों करूं ये काम, ठीक है, या मुझे ये काम आता नहीं है और मुझे दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और उसकी वजह से हमको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बेसिकली इसमें क्या जो है कारण उत्पन्न हो सकते हैं, वो है कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान नहीं होना, है ना। कोई काम हमें नहीं आता है और वो हम पर थोप दिया गया है या हमें दे दिया गया है और हमें उसका मेथड पता नहीं है कि कैसे करना है, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैं कैसे करूं इसको काम को, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है फटीग हमें महसूस होता है। अनुभव की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर हमें अनुभव नहीं है किसी कार्य को करने में तब भी हमें फ्रस्ट्रेशन फटीग होता है। बार बार लक्ष्य प्राप्ति में असफलता, यानी कि हमने काम किया लेकिन हम उसमें विफल हो गए, हम फेल हो गए उसमें, या हमने अच्छे से नहीं किया, अप टू द मार्क नहीं लगा हमें, तो भी हम जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उससे हमें कुंठाजन्य थकान जो है वो महसूस होती है। फिर है पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़े, या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट अगर है, अगर ऑफिस है या घर है वहाँ पर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है तो भी जो है इस तरीके की थकान जो है वो महसूस होती है। कार्य के प्रति उत्साह में कमी, है ना, मोटिवेशन नहीं हो, आपको मोटिवेट नहीं, आप सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं और दूसरे भी आपको मोटिवेट करते हैं आपके काम की तारीफ करके या आपको जो है अप्रिशिएट करके, ठीक है, तो उस समय भी जो है अगर उत्साह नहीं है, है ना, एक मोटिवेशन नहीं है तो भी जो है हमें कुंठाजन्य थकान या फ्रस्ट्रेशन फटीग होता है। फिर है कार्य को करने में अधिक समय अगर लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत स्लो काम है कोई, तो भी जो है हमें उसमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है और हमें कुंठाजन्य थकान महसूस होती है। गृहिणी का कामकाजी होना और घर बाहर, अगर मान लीजिए कि कोई महिला है जिसको कि घर का भी करना है बाहर का भी करना है और मतलब समय की कमी है या बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको लेकर उस समय भी जो है फ्रस्ट्रेशन होता है और जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे काम करने के जो मेथड्स होते हैं, जो तरीका होता है, वो बहुत पुराना है या हमें फोर्सफुली या हमें जो है उस तरीके से एक ट्रेडिशनल तरीके से काम करना पड़ रहा है, माने कि मिक्सर ग्राइंडर की जगह हम अगर मान लीजिए सिलबट्टे का प्रयोग कर रहे हैं, या आजकल जो आधुनिक आपके कंप्यूटर्स छोड़कर जो है हम पुराने टाइपराइटर्स को जो है हमें बोला जाए कि इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरीके के कामों से जिसमें कि अच्छे मेथड्स नहीं हो काम करने के या तरीका अच्छा नहीं हो काम करने का, तब भी जो है हमें फ्रस्ट्रेशन फटीग होता है, ठीक है। थकान के लक्षण क्या होते हैं, व्यक्ति जो है वो सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है या शिथिल हो जाता है, उबासी आना, नींद आना, जमाई लेना, कार्य क्षमता में कमी, है ना, वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है क्योंकि एक तरह से ज़बरदस्ती काम करते हैं तो स्पीड भी लो होता है, एनर्जी भी हम उसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। बार बार मिस्टेक्स होना या बार बार गलतियों का होना, ये एक बहुत बड़ा जो है इसका सिम्टम होता है। एकाग्रता में कमी होना, है ना, एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनना काम के अंदर, काम बिल्कुल नहीं करने की इच्छा होना, या पलकें झपकने लगती हैं बार बार कि जब हमें कोई इच्छा का काम या हमें थकान में जब काम को करना पड़ता है। थकान दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो, सबसे पहला है
कि जब भी आप कोई थकान भरा काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेनियस काम कर रहे हैं, या बहुत ऐसा फिजिकल एक्टिविटी है, या ऐसा कोई भारी काम आप कर रहे हैं, तो उस या लंबे समय तक आपको काम करना है, तो उसके बीच बीच में हम जो है विश्राम काल को डालें कि 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक या 15 मिनट का ब्रेक जो है हमें बीच बीच में लेना चाहिए, सो दैट हम वापस से अपने आप को रिफ्रेश कर लें और फिर से हम उसी एनर्जी के साथ में अपने काम में लगें। जो कि हमने बताया था कि फिजिकल थकान जो होती है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो जब आप रेस्ट करते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो अगेन जो लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हो गया था, जिसने थकान पैदा कर दी थी, वो लैक्टिक एसिड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में परिवर्तित और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो बीच बीच में विश्राम काल का डालना। इसके अलावा है प्रेरणा की भूमिका, कि हम अपना सेल्फ मोटिवेशन करें या कोई हमारे पास में हो तो वो हमें मोटिवेट करे, है ना। हम अपने पहले के अच्छे कार्यों को देखकर भी हम अपना मोटिवेट हो सकते हैं, अपने आप भी मोटिवेट हुआ जा सकता है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई दूसरा ही हमें अप्रिशिएट करे, हमें अपने में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, या मैंने आज अच्छा काम किया। ठीक है, तो उससे भी हम मोटिवेटेड रहते हैं और काम में इंटरेस्ट बना रहता है। फिर है कार्य में परिवर्तन। देखिए, अगर हम थकान महसूस करते हैं, बोरियत महसूस करते हैं, मोनोटोनस हमें लगने लग जाता है ना, कि एक ही एक काम को हम बार बार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये भी कर सकते हैं कि बीच में हम एक काम को के बीच में हम कोई दूसरा हल्का काम थोड़ी देर कर लिया, तो उससे हमें चेंज हो जाता है। तो हम कार्य में परिवर्तन भी कर सकते हैं, या लोगों को, अगर एक टीम काम कर रही है तो लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी शिफ्ट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, कि एक की दूसरे को देकर, जिससे कि उसके लिए भी नया हो वो काम और दूसरे इंसान के लिए भी नया हो। फिर है उचित शारीरिक स्थिति। जैसे हमने वर्क सिंप्लीफिकेशन में देखा था कि अगर हमारा बॉडी पॉस्चर राइट है ना, अच्छे से हम बैठे हैं, अच्छे से खड़े हो गए और खड़े होके काम कर रहे हैं, हमारी किचन में जो स्लैब है या जो हमारा वर्क एरिया है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो ऊंचा नीचा नहीं होकर वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हो, हमारा वर्क प्लेस हमारे कंफर्टेबल एक पोजीशन पे हो, तो भी हमें थकान महसूस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो टेबल है ये टेबल बहुत नीचा हो तो मुझे उसमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा या मुझे थकान ज़्यादा महसूस होगी। इसी तरीके से गृहिणी की हाइट अगर बहुत लंबी है और उसकी जो शेल्फ है या किचन की जो स्लैब है वो नीची है ना, तो उसको थकान महसूस होगी। तो ये हमेशा, जब भी किचन में, आगे हम किचन जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें भी हम देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि बॉडी पॉस्चर राइट रहे और हमें थकान कम महसूस हो। फिर है कार्य के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, वही एक तरह से मोटिवेशन ही हुआ, सेल्फ मोटिवेशन, या इस काम से ये बेनिफिट होगा, ये काम मैं अगर मन लगा के करती हूँ तो इतना समय बच जाएगा, फिर मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपने आप का ही इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर काम में डालना। फिर है कार्य में कौशल विकसित करना। देखिए, हमने पढ़ा कि कई बार हमें कार्य करना नहीं आता है या काम का मेथड नहीं पता है, जिसकी वजह से भी हमें थकान महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है काम को करना सीख सकते हैं, उस काम का मेथड जो है हम सीख लें, तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी होता है, उससे हमारी ऊर्जा भी कम लगती है और हमें जो है बोरियत भी उस काम को करने में नहीं लगती है। फिर है समय और शक्ति के बचत के उपकरणों का प्रयोग करके, है ना। जैसे हमने बात की, किचन के लिए बहुत सारे उपकरण आते हैं, चॉपिंग के लिए अलग आता है, मिक्सर ग्राइंडर आता है, आजकल चपाती मेकर भी आते हैं अगर अफोर्डेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो किचन इक्विपमेंट्स हैं, आप गैस चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं, 2 बर्नर की जगह 4 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो उपकरण हैं जो आपके काम को और सिंप्लीफाई करेंगे और जो उसको साधारण बनाएंगे या सिंपल करेंगे,
तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके भी हम अपनी बोरियत को दूर कर सकते हैं या हमारी थकान को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा था आपका थकान के लक्षण और थकान क्या होती है, ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।